हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है, दिन के सारे काम भी हो गए हैं ऑलमोस्ट। हम लोग फिल्म देख रहे थे और खाना भी खा रहे हैं। जैनेट और आहान भी लगे हुए हैं खाना खाने में। सो पहले फूड एंजॉय कर लेते हैं। आज एक्चुअली पानी नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा घर में सूखा पड़ा हुआ है। शाम को ही आएगा पानी, तो बाकी के काम तभी हो पाएंगे। फिलहाल तो वी ट्राइड अ लॉट, बट हाँ, पानी छोड़ दिया मोटर ने और अभी शाम को ही आएगा। तो फिलहाल काम कर लेते हैं, दिन तो स्टार्ट हो ही गया है और बाकी एडिटिंग वगैरह भी चालू है, वो सब भी काम होते ही रहते हैं घर से, दैट्स अ रेगुलर पार्ट। और ये देखो, क्या अच्छा लगता है आपको, नाम बताओ इसका। चीज ऊपर ही डाल लो। चीज और जैनेट, आपको क्या अच्छा लगता है? फ्रेंच फ्राइज और डोनट्स और पिज्जा और बर्गर। इतना सारा? और थम्स अप और फ्रेंच फ्राइज। ये तो मेरे को भी पसंद है। इतना सारा एक साथ खा सकते हो आप? हाँ। हाँ। दोनों मिलके खाओगे, है ना? हाँ। और थम्स अप भी अच्छी लगती है। फिलहाल तो गाइस ये लोग खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, और ये क्या है जैनेट? चीज। तो मैं भी अपना खाना खा लेता हूँ और खाने के बाद दोबारा ये वाला। क्या है इसमें स्पेशल, क्या है? अच्छा आया था। बस अच्छा है, यही स्पेशल है। और क्या चेंज है ये नहीं पता आपको? बताओ क्या चेंज है। सो गाइस फिलहाल खाना खा लेते हैं, दोबारा आपको कैचअप करते हैं। सो गाइस दोपहर का वक्त हुआ है और मैं फिलहाल जा रहा हूँ बाहर कंपाउंड में डॉग्स घुमाने के लिए। गर्मी कुछ ज्यादा ही है और पानी आया नहीं आज तो। ए, रुक रुक, जाओ जाओ घूम के आओ, चलो जल्दी बेटा घूमा जाओ। सो इनको फिलहाल घूमने देता हूँ, मैं जब तक इधर उधर थोड़ी नजर मार लेता हूँ क्या चल रहा है। कूलर भी बंद कर देते थोड़ी देर, थोड़ा शांत हो जाए। सो गाइस गर्मियों की दोपहर है और दोपहर कुछ ज्यादा ही शांत होती है, तो यही मजा होता है दोपहर का। और यही मजा होता है दोपहर का। और फिलहाल बेबी नहीं घूम रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा हूँ आराम से, और जैनेट और हाँ अंदर हैं। तो एक बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और इतना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर चेंज होता है ना कि सर्दी जुकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। एसी में बैठते हैं तो बाहर आते हैं तो जल्दी सर्दी पकड़ जाती है। मैं तो फिलहाल थोड़ा बच के रहता हूँ, बट हो ही जाता है क्योंकि बाहर तो आना ही पड़ता है किसी ना किसी काम से। चलो बेटा चलो, हो गया तो आओ। आ जाओ भाई, ऐसे तो आएंगे नहीं, खड़े रहेंगे, बिल्ली देख रहे हैं उधर। चलो, तो ज़्यादा इनको भी एक्टिविटी नहीं देता हूँ क्योंकि गर्मी में और ज्यादा गर्मी लगती है, इनको फिर भागते दौड़ते हैं ना, थोड़ा सा लिमिट कर देते हैं हम लोग। चलो बेटा ऊपर आओ, आ जा बेनी, आ जा बेनी। चलो बेटा चलो, कूलर भी चला देते हैं, लेकिन कूलर गर्म हवा फेंक रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी है। नीचे जाकर छुप के बैठते हैं लोग, बेटा रुक जा। सो फिलहाल मैं आया हूँ किचन में क्योंकि प्रिंसेस के लिए भिंडी काटनी है। प्रिंसेस के लिए भिंडी, मतलब जो लोग पहले से व्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा, प्रिंसेस का एक मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली उसको भिंडी के जो पानी होता है वो मैं पिलाना होता है, तो वो फिलहाल कर लेता हूँ फटाक से। सो कुछ खास नहीं, बस भिंडी को काटूंगा एंड एक्चुअली इसमें बीच में एक चीरा लगाएंगे ताकि इसका मैक्सिमम जो ग्रीसी वाटर होता है पूरा पानी में चला जाए। बीच में से कट लगा के बस छोटा छोटा काट लेंगे ताकि इसका चिकनापन होता है भिंडी का वो पूरा पानी में घुल जाएगा। बस वही पानी हमें प्रिंसेस को देना होता है। मैं एक्चुअली कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाह रहा था, यूरिन में एक्चुअली ब्लड आता है समटाइम, अगर हम ये नहीं करते हैं तो ब्लड आता है, तो जस्ट टू प्रिवेंट दैट मैं यही तरीका अपनाता हूँ और ये कारगर भी है। सो फिलहाल रख लिया है, अब इसको लॉबी में रख देता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं, अभी शाम हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर चाय वाय पियेंगे, पेट्स को खाना भी देंगे और बाकी काम भी करेंगे। शाम को पानी तो लेट ही आने वाला है। प्रिंसेस बेटा ऊपर बैठ जा, क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा ज्यादा देर में मत खेलना, थोड़ी देर ही खेल के बंद कर देना आप। सो गाइस शाम का वक्त हो गया है और ये वक्त है घर में रोशनी करने का, तो फिलहाल लाइट वाइट जलाते हैं, रोशनी करते हैं घर में। संध्या का वक्त है और रोशनी करनी चाहिए, तो लेकिन फिलहाल मैं चलता हूँ घर में पीछे की तरफ। पानी नहीं आ रहा था, पानी आज लाना पड़ेगा। यूजुअली तो अपने आप ही भर जाता है लेकिन अभी पानी क्योंकि आ नहीं रहा है तो मोटर वगैरह चला देते हैं। होप्स अभी तक तो आ जाना चाहिए। मॉर्निंग से आज सुबह से ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो पानी तो आया नहीं था। देखो दिल्ली धीरे धीरे घूम रहा है, यानी अभी आ जाएगा। एग्जैक्टली 8 बजे के लगभग आता है, अभी 7 बजे नहीं है तो 5 मिनट में आ जाएगा। फिलहाल चलने देते हैं इसको, मैं बाकी घर में लाइट जला देता हूँ जब तक। ये देखिए अंदर तो जला दिए मैंने, प्रिंसेस यहाँ बैठी क्योंकि अभी पानी आएगा तो धुलाई करेंगे, अभी कई जगह काम नहीं हुआ है। अभी डॉग्स को घुमाना,
फिर उनको पानी देना, उनके बर्तन धोना। फिलहाल तो लाइटें जला देते हैं, रोशन कर देते हैं, इधर भी जलाएंगे। एक बार बाहर भी नजर मार ली जाए क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भी गली में नहीं है, आज ज्यादा शूटिंग वगैरह भी नहीं चल रही फिलहाल तो। मैं अंदर सो ऊपर भी देख के आते हैं, पानी भर रहा है नहीं भर रहा। टेरेस पे घूमना भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। आना शुरू हो गया, अगर आपको आवाज आ रही हो तो, है ना। फाइनली पानी आ गया है और काम शुरू करते हैं विद इन 10 मिनट। सो आज अंधेरा हो गया है थोड़ा सा, आसमान के दर्शन करा देता हूँ। नो वन कैन इमेजिन कि इसके पीछे जो है विशाल समुद्र है, पानी ही पानी और कुछ नहीं। और हम लोग लैंड सैंड पे हैं, इसलिए इसको लैंड सैंड भी कहा जाता है, जो भी समुद्र के किनारे के क्षेत्र होते हैं। सो वी आर एट द लैंड सैंड। तो फिलहाल काम कर लेता हूँ, पानी आया बड़ी देर बाद। सो गाइस पानी तो भर लिया गया है और काम वगैरह भी हो गए हैं। ये देखो सब साफ सुथरा कर दिया गया, पानी दे दिया है, यहाँ सफाई हो गई इनके बेंचों पे, और ये घूम फिर भी लिए हैं। देखिए पानी इतना जरूरी होता है, मतलब आज सुबह से पानी नहीं आया तो हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ और सारे काम ऐसे रुके हुए थे जैसे लाइफ थम गई थी। इट्स वेरी क्लियर कि वाटर इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ, जल ही जीवन है। सो कभी कभी ऐसा होता है तो एहसास हो जाता है, एहसास करते भी रहना चाहिए। सो हम लोग तो कोशिश करते हैं जितना कम से कम हो, इनको एक्टिविटी दी जा रही है थोड़ी बहुत, बाकी और छोटे मोटे काम भी कर लेते हैं। बोलो बेटा आ जाओ, मैं खोल रहा हूँ, आ जाओ। So, आहान का भी दिल कर रहा है घूमने का, आहान भी बाहर आ रहा है। हाँ बेटा नहीं ऐसे आ जाओ, सीधा आ जाओ। हैं क्या बाहर मेरी मैगी ले आओ। अच्छा ठीक है, कह दो। चलो चलो आगे चलो, खेल लो बेटा। लेजर लाइट नहीं है, और वैसे भी पानी है, पानी है, पैर फिसल जाएंगे इनके। हाँ पानी आ रहा है बाहर। सो गाइस पौधों में भी पानी देना कंपलसरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पानी दे देते हैं, सुबह के काम इसी टाइम कर लेता हूँ सारे। सुबह आम उतारेंगे, गर्मी भी बहुत ही ज्यादा है तो पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है। सुबह भी नहीं दे पाया था क्योंकि पानी पहले ही खत्म हो गया था, तो थोड़ा ही बहुत दिया था मैंने, पूरी मिट्टी सूख गई है। रुक जा मैं आ रहा हूँ। ये पीछे आम का पेड़ है, इसमें भी पानी डालता रहता हूँ। चलो बेटा चलो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ बिनी, हट जाओ। सो गाइस रात का वक्त हो गया है और खाने पीने का सौदा आ चुका है। देखिए फिलहाल हम खा रहे हैं आज बर्गर, घर का खाना ही बना था लेकिन थोड़ा और टेस्ट चेंज बाहर का खाएंगे, और ये घर में बना है। और देखिए बजरंग बली भी चालू हो गए हैं, और ये इस लड़की ने चलाया था, कैसे मुंह छुपा रही है। और आहान को भी अच्छा लगता है बजरंग बली देखना। सो फिलहाल हम वही देखेंगे, और बेबी ने अभी खुले हुए हैं, घूम फिर रहे हैं। सो क्योंकि पानी बहुत टाइम बाद आया है तो इनको फुल प्रिविलेज, घूमे फिरे मजे करें, और हम लोग तब तक खाना खा लेते हैं। सो गाइज आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि दिन लगभग समाप्त ही हो गया है। सो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिल सके सारे वीडियो सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।